हेलो एवरीवन वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू सभी का स्वागत है आरएचबी टेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम प्रपोज किया था हमने मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाइ किंगडम को डिस्कस कर लिया है अभी हम प्लांट किंगडम को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज यूजफुल टू स्टडी द डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखिए हमारे अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग स्पीशीज रिजाइड करती है और इन सारी स्पीशीज को एक साथ स्टडी करना इनका एवोल्यूशन का स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है इसलिए हम क्या करते हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूज करते हैं इट मीनस स्पीशीज को हम ग्रुपिंग करते हैं क्लासिफाई करते हैं नेक्स्ट देखिए इट इज साइंटिफिक प्रोसीजर इन विच ऑर्गेनिजम्स आर अरेन्ज इन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स ज देखिए हम उन ग्रुप्स के अंदर जो लिविंग का ग्रुपिलर डिसर फीचर एक सिंगल ग्रुप के अंदर फीचर है कौन से टू डिफरेंट ग्रुप के अंदर डिसिमिलर फीचर है इन फीचर के बेस पर हम ग्रुपिंग करते हैं उनको स्टडी करने के लिए नेक्स्ट देखिए देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के थ्री मेन टाइप्स होते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन फर्स्ट देखिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इट वॉज बेस्ड ऑन वन और टू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग द ऑर्गेनिज्म देखिए जो इजिली एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ऐसे करेक्टर जो बाहर से दिख रहे हैं या हम कह दें कि एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल है तो ऐसे फीचर जो ऑब्जर्वेबल होते हैं उनके बेस पर हमने क्या करना होता है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना होता है और वो भी ज्यादा नहीं है वन और टू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स सिर्फ वन और टू फीचर्स के बेस पर जो एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल है इजीली दिख जाते हैं इनके बेस पर उन लिविंग्स को क्लासिफाई करना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इट ओनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ऐसे फीचर जो बाहर से दिख रहे हैं इजिली दिखते हैं तो हमें किसी ऑर्गेनिज्म में बाहर से इजिली क्या ऑब्जर्व हो सकता है उसका हैबिट कलर नंबर एंड शेप ऑफ लीव तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में हमें उसका हैबिट उसमें कौन कौन से कलर के फ्लावर्स बन रहे हैं उनमें लीव्स का नंबर कैसा है उनमें शेप कैसा है इस तरह के फीचर हमें बाहर से इजीली ऑब्जर्व होते हैं इस बेस पर हमें लिविंग प्लांट्स को क्लासिफाई करना है अब इसमें वेरियस एग्जाम्पल देखिए कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एरिस्टोटल है इनका क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है इन्होंने क्या किया ही डिवाइडेड द एनिमल्स इनटू टू कैटेगरीज इन्होंने एनिमल्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया जैसे इनाइमा तो एनाइमा में उनको रखा जिनका ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है और एनाइमा में उनको रखा जिनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता है ठीक है ही ऑल्सो क्लासिफाइड द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट अब एनिमल्स कहाँ रह सकते हैं उसके बेस पर भी उन्होंने एनिमल को डिवाइड किया जैसे अगर पानी में रहते हैं एक्वेटिक होते हैं तो जैसे फिश जो होती है वो एक्वेटिक होती है कैटल्स जो होते हैं वो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोला और बर्ड जो होते हैं वो उड़ सकते हैं तो उनको एरियल कहा तो ये पहला एग्जाम्पल रहा था एरिस्टोटल का लेकिन ये भी जो है कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए बिकॉज इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स है जिनको क्लासिफाई नहीं किया जा सका बाद में जो है लीनियस आए हिज क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर इन्होंने फर्स्ट टाइम प्लांट्स के जो फीचर वेजिटेटिवली ऑब्जर्व होते हैं उनको यूज किया और साथ में एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को भी यूज में लिया ध्यान रखिएगा इन दोनों पर लिनियस का क्लासिफिकेशन बेस्ट था ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिनियस के आर्टिफिशियल सिस्टम के कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं इट इटमीन्स वो कौन कौन से पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाए फर्स्ट देखिए दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स सो दैट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वर सेपरेटेड बहुत कम फीचर्स को यूज किया था इसलिए जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है उनको भी उन्होंने अलग अलग ग्रुप में रख दिया ठीक है दिस सिस्टम गिव्स इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करैक्टेरिस्टिक्स इस तरह के सिस्टम के अंदर वेजिटेटिव और सेक्सुअल फीचर्स को बराबर वेटेज दिया गया और हम जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट देखिए अगर किसी प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली है मिनरल्स नहीं मिले हैं या पानी प्रॉपर्ली नहीं मिला है तो इस तरह से इनका इफेक्ट भी होता है अगर मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो प्लांट के अंदर प्रॉपर ग्रोथ परफॉर्म नहीं होगी तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इनका भी प्लांट के ग्रोथ पे इफेक्ट होता है लेकिन सेक्सुअल फीचर्स जो होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं लाइक like अगर मैंगो प्लांट है तो उसमें मैंगो ही आएगा तो ये उसका एक जेनेटिक फीचर है वो कॉन्स्टेंट रहता है ठीक है द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन आर सुपरफिशियल एंड नॉट रिफ्लेक्टेड द नेचुरल रिलेशनशिप इनका जो क्राइटेरिया था जो बेस था क्लासिफिकेशन का वो सिर्फ सुपरफिशियल था means जो बाहर से दिख रहा है जो अलग अलग प्लांट के अंदर बाहर से दिख रहा इस पर बेस था लेकिन उन्होंने नेचुरली ग्रुपिंग नहीं किया था सिर्फ ऐसे सिंपल फीचर्स जो बाहर से दिख रहे हैं उस बेस पे डिवाइड किया था इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो स्पीसीज पास पास में है क्लोजली रिलेटेड है उनको भी अलग अलग रख लिया था तो ये उनके ड्रॉबैक्स थे नेक्स्ट देखिए नंबर टू नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप ओपन वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म अब देखिए इस एरा में साथ साथ में क्या हुआ कि माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी हो गई तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखना इजी हो गया दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो नेचुरल एफिनिटीज है जो इनके अंदर नेचुरल फीचर्स हैं उनको स्टडी करना इजी हो गया इट कंसिडर्स बहुत एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स देखिए मॉर्फोलॉजिकल फीचर तो आर्टिफिशियल में लिया ही था तो इस वाले फीचर में बाहर से भी देख रहे हैं और अंदर से भी देख रहे हैं तो अंदर से देखना इजी क्यों हो गया बिकॉज डिस्कवरी हो गई थी माइक्रोस्कोप की तो इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर दोनों को ही यूज किया गया है अब देखिये इंटरनल फीचर में कौन कौन से होते हैं लाइक like, अल्ट्रास्ट्रक्चर एनाटोमी एम्ब्रियोलॉजी फाइटोकेमिस्ट्री इस तरह के फीचर्स को भी यूज में लिया गया है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलर और डिसिमिलर फीचर्स को ऑब्जर्व करने के लिए सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर आपको ध्यान रखना है कि बैंथम और हुकर क्लासिफिकेशन जो होता है वो नेचुरल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट देखिए रिलेशनिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म अब देखिये यहाँ पर मतलब बाहर से भी देखा है अंदर से भी देखा है साथ में उस ऑर्गेनिज्म का जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इटमीन्स उसके जो एंसेस्टर्स है उनको भी समझा है नेक्स्ट देखिए ट्रू एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग एवोल्यूशन जो है, उसके से हुआ है कौन कौन से उसके हो सकते हैं कौन कौन से उसमें इस बेस पर भी उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी की गई अकॉर्डिंग टू दिस organisms बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा have कॉमन ancestor। देखिये टेक्सा क्या होता है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जहां पर सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म है उनमें अगर सिमिलैरिटीज है तो उनके एंसेस्टर सेम है तभी तो उन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके सेम है है तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं तो उनके एंसेस्टर भी क्या होते हैं सेम होते हैं डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन आर ऑल्सो रिजोल्व बाय सपोर्टिंग फॉसिल्स एविडेंस अब देखिए जब फॉसिल्स मिल गए जो डेड ऑर्गेनिज्म के जो पास्ट किसी एरा के अंदर लिविंग थे जब उनके फॉसिल्स मिल गए तो उनको एविडेंस के फॉर्म में यूज किया गया और उन फॉसिल्स को आज के लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया गया तो मालूम पड़ा कि उनमें कहीं ना कहीं उनका जो ऑरिजिन है वो एनसेस्टर से हुआ है तो इस तरह से कंपेयर करने पर उन फॉसिल्स को एक एविडेंस के फॉर्मेट में यूज किया गया इट मींस फॉसिल्स प्ले वाइटल रोल इन एक्सप्लेनिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसलिए फॉसिल्स को जो है एक एविडेंस के फॉर्म में यूज किया गया उसका एक वाइटल रोल हो गया किसको आज के ऑर्गेनिज्म के साथ में कंपेयर किया गया और मालूम हुआ कि आज के ऑर्गेनिज्म कितने एडवांस हैं उनमें आपस में इतनी सिमिलरिटी है तो डिफरेंस है ऐसा क्यों हुआ है नेक्स्ट देखिए द क्लासिफिकेशन ऑप्टेन्स सपोर्टिंग एविडेंसेज फ्रॉम द फॉलोविंग ब्रांचेज ऑफ टेक्सोनॉमी देखिए इस तरह के क्लासिफिकेशन को थ्री अलग अलग ब्रांचेस से सपोर्टिंग मिला लाइक न्यूमेरिकल टेक्सटोनोमी साइटो टेक्सोनोमी एंड कीमो ये तीनों टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को सपोर्ट करती है कि हाँ इसी तरह का जो है ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको यूज किया जा सकता है तो फर्स्ट देखिए न्यूमेरिकल टेक्सटोनोमी दिस कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाई रॉबर्ट आर सोकल एंड पीटर एच ए स्नेथ तो आपको जो नेम यहाँ पर लर्न करना है सोकल एंड स्नीथ इन्होंने 1963 के अंदर न्यूमेरिकल प्रोड्यूस किया था दिस मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल यूजिंग कंप्यूटर देखिए जितने भी ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं उन सारे डेटा को कंप्यूटर के अंदर लोड किया गया नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स एंड डेटा जितने तरह के एविडेंसेस या सिमिलर या डिसिमिलर फीचर्स ऑप्टेन हुए उनको एक नंबर और कोड के फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्टोर किया गया आफ्टर असाइनिंग द कोड द डेटा आर प्रोसेस्ड देखिए जब सारे डेटा को कंप्यूटराइज किया गया तो उनको प्रोसेस करना इजी हो गया उनको कंपेयर करना इजी हो गया इन दिस मेथड ईच करेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस अब यहाँ पर चाहे वो कैसा भी फीचर है उसको कंप्लीटली यूज किया गया है कंपेरिजन के लिए चाहे वो एक्सटर्नल है इंटरनल है एवोल्यूशनरी कैसा भी डेटा है सबको इक्वली कंपेयर करके और सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया एट द सेम टाइम हंड्रेड ऑफ करेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम जो होते हैं फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं और सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर इजीली ग्रुपिंग कर सकते हैं इट मीन हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं तो ये मॉडर्न ब्रांचेस के फॉर्म में इसको बनाया गया नेक्स्ट देखिए साइटोटेक्सोनोमी दिस इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम नंबर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर तो साइटोटेक्सोनोमी के अंदर जो सेलुलर इंफॉर्मेशन है सेल की इंफॉर्मेशन है जैसे क्रोमोजोम का नंबर हो गया है स्ट्रक्चर हो गया है उनका बिहेवियर हो गया है इन सभी को साइटोटेक्सोनोमी के अंदर इन्वॉल्व किया गया है फिर देखिए कीमोटेक्सोनोमी तो इट इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस केमिकल ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एमिनो एसिड प्रोटीन डीएनए अब देखिए सेल के अंदर केमिकल कौन से होते हैं वो उनके बायो होते हैं। तो एमिनो एसिड प्रोटीन डीएनए इनका स्टडी किया गया केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स आर जनरली स्पेसिफिक एंड स्टेबल तो कैसे भी जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो बेसिकली स्टेबल क्यों होते हैं बिकॉज डीएनए जो होता है वो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक लॉन्ग टाइम तक परमानेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और डीएनए से बनने वाले प्रोटीन परमानेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो इसलिए इनको यूज करके हम इजीली ऑर्गेनिज्म को कंपेयर कर सकते हैं उनके एंसेस्टर को कंपेयर कर सकते हैं उनका एवोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और दे डू नॉट चेंज इजिली और इनमें इतना इजिली चेंजेस नहीं आते हैं थैंक यू वेरी मच है नाइस डे बायोलॉजी प्रेजेंस दैरियर ऑप्शन ट्वेल्थ बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स In English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.